साधु प्राची ने कहा है कि हिंदुओं को जो खान की फिल्में हैं वो बॉयकॉट करनी चाहिए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के साथी बयान देते हैं, उस प्रकार से वो जो टीम इंडिया की बात हाउस में कहते हैं और बाद में बाहर आकर इंडिया को बिखरने की बात करते हैं, इससे इस सरकार की जो मनीषा है, इस सरकार का जो एजेंडा है, वो पूरी तरह से साफ दिखता है। भारत ये सभी धर्मों का देश था, सभी धर्मों का देश रहेगा। ये जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, उनसे पूछो वो क्या भाषण देते रहे, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये प्राची कौन है, हम तो नहीं जानते। प्राची साध्वी प्राची है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, सांसद नहीं है, उनकी नेता है, बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, बयान देती रही है। हाँ नहीं, काफी उनके यहाँ काफी इस तरह के कबाड़ खाने में चीजें हैं। और वो कह रहे राहुल गांधी को भी भारतीय लड़की से शादी करना चाहिए, ये भी साध्वी प्राची कह रही है वीएचपी के उसमें सम्मेलन। अब बताओ इसका क्यों नाम ले रहे हो, इसको क्यों जबरदस्ती कह रहा है। इनके यहाँ तो बहुत से लोग हैं जो जब से सरकार बनी तब से वो प्रधानमंत्री एक बयान देते हैं और बाकी ये लोग रोज नए नए बयान देते हैं। श्री मोदी और भाजपा निरंतर इनको बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की और श्री नरेंद्र मोदी की ये विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री जो वक्तव्य देते हैं, अगले दिन उसके विरुद्ध आचरण होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है। साधु प्राची जो बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने कहा है कि जो खान की फिल्में हैं वो ना देखिए, लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। छोड़िए, इन लोगों को निगलेक्ट करिए, इस प्रकार के लोगों को कुछ बहुत ज्यादा देश में लोग सुनना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों के नाम को पसंद करते हैं। देखो भैया, एक चीज तो है, बाहर बहुत सी चीजें हो रही है, बड़ा भारी देश लोकतांत्रिक देश है, अलग अलग बयान अलग अलग रूप में अलग अलग रंग में सुनाई पड़ते हैं। इसलिए जो है बेहतर ये होगा कि जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो।